हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो है एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज जो है एक हम लोग बोतल डिज़ाइन करेंगे, प्लास्टिक बोतल पैट की, ठीक है, जो थम्सअप में सेम शेप में दूंगा मैं। थम्सअप का जो बोतल है उसकी शेप में हम बनाएंगे एक नया बोतल। तो आज देखेंगे बोतल में कैसे थ्रेड डालते हैं, कैसे बोतल डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या पैरामीटर उसमें दिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आपको अंत तक जुड़ी रहना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक इस तरीके से एक बोतल बनाएंगे, ठीक है। तो आज जो मेरा है ये डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं एक नया वो ले रहा हूँ, विंडो ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए क्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं अभी जो है डिशेज में बना रहा हूँ, डॉटम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना रहा हूँ, इसको मेरा डिशेज बोलते हैं। अगर आप चाहते हो मैं आप किसी कोई जो वीडियो है WCS में बनाऊँ, ठीक है, WCS में मैं अगर बनाने के लिए आप सोचते हो तो मैं यहाँ पे WCS में भी बना सकता हूँ। इसमें भी बनाना है तो इसमें काम करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, मैं इसको बता दूँगा इसमें काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो है मैं DCS में कराऊँगा, क्योंकि DCS में थोड़ा ईजी पड़ता है आप लोग के लिए, और बहुत लोग जो है DCS में काम करते हैं, WCS में काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं DCS में कराऊँगा। अगर कोई डाउट है इसके ऊपर, वीडियो बनाना है, पार्ट मॉडलिंग सीखना है, तो आप कमेंट कीजिए तो मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक स्केच ले रहा हूँ मैं कोई भी, और ये जो मेरा है मैं उसको 300 mm की एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं एज ए सेंट्रल लाइन रेफरेंस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है, इस पार्ट को मुझे ना 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ऊपर से जो है मैं 20 mm के लिए एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कर दे रहा हूँ 15 mm की, ठीक है। उसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगा। जो ऊपर का सेक्शन रहेंगे मेरा ऑलमोस्ट 20 mm में रहेंगे, तो मैं इसको ऑफसेट लगाऊँगा 20 mm पे, ठीक है। तो दूसरा जो सेक्शन रहेगा मेरा वो रहेगा आपकी ऑलमोस्ट 100 mm, ठीक है, 100 ज़्यादा हो जाएगी, 80 mm का मैं सेक्शन बनाऊँगा दूसरा वाला। और जो तीसरा सेक्शन बनेगा मेरा ये भी आपके 80 mm में बनेंगे, और बाकी जो पर्सन बनेगा वो नीचे का बनेगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैं एक सिंपली कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा आपके नीचे आएंगे, लेस से 10 mm, ठीक है। और जो ये लेंथ है इसको मैं एक कर्व से मैं डिनोट कर रहा हूँ, लाइक इस तरीके से, ठीक है। और इसको जो मैं है एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये एक्सटेंड इतना mm होंगे आपको देखना। ये है दोस्तों, ये जो एक्सटेंड हुआ है ये 40 mm हो रहा है, इसको मैं 45 का कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको एक्सटेंड किया हो, ठीक है दोस्तों। इसमें देखना ये है, जो आपने एक्सटेंड किए हो, जो बाहर के पर्सन है, मैं इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ। और यहाँ से थोड़ी सी जो शेप है ना स्ट्रेट आएंगे, पूरा आपके जो है ये आएंगे, पूरा स्ट्रेट आएंगे आप में, ठीक है। अब ये जो चीज़ है मैं इसको सेंटर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, सेंटर लाइन बनाऊंगा। अब दोस्तों यह है जो ये मेरा पोर्शन है ना, यहाँ से मेरा लगभग मैं इतना mm तक मैं इसको ले जा रहा हूँ, और ये मैं डिस्टेंस जो है मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल वाली, ठीक है। तो इसका मैं लेंथ लूँगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट तक जुड़ी रहिए, ये आज बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। इसको जो है मैं 70 mm कर देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़ी रहना है आपको, क्योंकि अगर इस वीडियो में बहुत कुछ मिलेंगे आपको नया नया चीज़ें, तो यहाँ पे टेंजेंसी भी मेंटेन करना है आपको, ठीक है। और आप कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले जो है मैं एक जो है इसको भी मुझे बनाना है ऑलमोस्ट 45 mm की, ठीक है, और क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे लगाना है आर्क, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आर्क में लगाऊंगा 80 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर्क में 80 का वो लगा रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें यह है, अब जहाँ पे 80 mm लगा रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इसकी टेंजेंसी मेंटेन रखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं जो है इसको मैं ऐसे शेप में बना रहा हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसकी ये जो है मेरा ज़्यादा मुड़ गया है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। और इसको डिस्टेंस जो है मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, इसको मैं 1 mm करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है मैं इसको थोड़ा सा जो है लाइक इस शेप में मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये जो चीज़ है आपके ऊपर की तरफ आएंगे, लाइक ये आएंगे इसी शेप में, बट ये जो चीज़ है थोड़ा आपको मेंटेन रखना है। मेंटेन इन द सेंस आपको ये जो है थोड़ा सा है लाइक इस शेप में आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ये है कि इसका ऊपर ना चला जाए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा नीचे ले आओ, और जो इसकी जो लेंथ है उसको आपको कम करना है। थोड़ा सा आप इसको ऊपर की तरह डायरेक्शन में दे दो, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा आप राउंड शेप में दे के, और ये जो है यहाँ से इसको आप ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मेरा जो है बन चुका है ना, एक प्रकार से मेरा ये बन चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें काम बहुत ज़्यादा है, इसको मैं सेंटर लाइन बना रहा हूँ, और इसको भी मैं सेंटर लाइन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको लगाना है फिलेट, ठीक है। इसमें मैं बीच का फिलेट लगा रहा हूँ, सिमिलरली आपको इसमें भी लगाना है, इसमें भी मैं बीच का फिलेट लगा दिया हूँ। आपको यहाँ पे भी दो फिलेट लगाना है, बीच का मैं लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी टेंजेंसी मेंटेन है। अब इसको हम देखते हैं रिवॉल्व करके, ठीक है, उसके हिसाब से हम जो है शेप देखेंगे। तो मेरा कॉन्टीन्यूसली कर्व है, एक्सिस सिलेक्ट करना है आपको, पॉइंट लेना है सेंटर पॉइंट, इसको एक जो है हम रिवॉल्व कर दिया है। अब दोस्तों मुझे ये है देखना, यहाँ पर जो मेरा सब ठीक है, ये जो शेप है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आपको थोड़ा कम करना होगा। अगर 100 कर दूँ मैं, तो ये जो है थोड़ा बाहर निकल के आ रहा है, इसको मुझे अगर 120 करके भी देखना है मुझे ये शेप में कैसा वो आ रहा है, ठीक है। तो अभी ठीक है, बट यहाँ पे जो है थोड़ा इसको मुझे मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए इसको जो है मुझे बाहर की तरफ खींचना होगा, ठीक है, इसको मुझे बाहर की तरफ खींचना है। तो है इसको मुझे थोड़ा बाहर की तरफ लगाना ही होगा, थोड़ा बाहर की तरफ और ला सकते हो आप, तो देखना है आपको कॉन्स्टेंट ही लेना, ठीक है, कॉन्स्टेंट आपको ख़राब नहीं करना है। तो ये जो चीज़ है अभी सब ठीक है, बट इसको थोड़ा आपको लंबा करना होगा दोस्त, ठीक है। लंबा इन द सेंस आपकी ये जो चीज़ आएंगी ये नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ, इसको हर पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से ही है मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरा बॉटल बनेंगे लाइक इस तरीके से बनेंगे बॉटल जो है, ठीक है। तो दोस्त अभी इसमें एक चीज़ ये देखना है आपको, जो ये चीज़ है अंदर की तरफ बहुत ये जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो इसको भी मुझे मेंटेन करना है। अब अगर कोकाकोला का बोतल आप देखोगे तो इसमें आप अच्छे से ये चीज़ देख पाओगे, ये जो चीज़ है ये नीचे की तरफ झुका होता है, ठीक है। थम्सअप जो थम्सअप की बोतल होता है वो नीचे की तरफ झुका होता है, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ये चीज़ मेंटेन करने के लिए आप सिंपली जो है यहाँ से एक आर्क बनाओगे, यहाँ लेके, और ये आर्क में जो मैंने आर्क लिया है गलत ले लिया है,
पहली वाले में आर्क में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन करना जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी आपको मॉडिफिकेशन ये करना है, ये जो अपने 120 लिया है इसको मैं अगर 130 करके देखो या 150 करके देखो तो ये भी मेरा काम जो है चल जाएगा। ठीक है, अब जो है मेरा ऑलमोस्ट ठीक है। मैंने इसमें इस शेप को मेंटेन करने में आपको थोड़ा देखना होता है, क्योंकि यही जो चीज़ है बहुत आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको आपको ये जो अपने जो फिलेट लगाया है ये थोड़ा ज़्यादा होगा दोस्त, जो यहाँ पे हमने लगाया है 20 के जगह में इसको मैं 30 कर रहा हूँ। आप इसको 40 भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे आपकी सारी, कुछ चीज़ें बहुत सारी अच्छे से डिसाइड करेंगे। और आपकी ये ऊपर का हिस्सा ठीक है, यहाँ पे इसको अगर आप अलग तरीके से बनाना चाहते हो तो ये भी आप बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, ये भी आपको लंबा करना है तो आप इसको लंबा कर सकते हो, आपकी यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन जो है बना सकते हो दोस्त। ठीक है, तो अभी ये मेरा बन गया है। अब वीडियो में बहुत कुछ चीज़ आपको मुझे दिखाना है तो मैं थोड़ा शेप में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा ये बन गया है। अब दोस्तों ये इसमें बनाना ये है, जो ऊपर की मुझे रीड है तो मैं इसको जो है फ़िलहाल के लिए मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, सेल कर दे रहा हूँ ये फेस को। ये जो है 1.2 है और ये जो मेरा रहेगा 2 mm रहेगा, 2 mm जो फेस रहेगा मेरा, ये वाली अंदर वाली फेस जो है मेरा 2 mm की रहेगा। तो लगभग ये अगर मैं इसकी अगर मैं सेक्शन काटूँगा तो आप इस तरीके से देख पाओगे। ठीक है, मेरा सेल जो है पूरी बॉडी ले रहा है, सिंगल फेस लेना है मुझे सेल में। ठीक है, तो ये जो है पूरा फेस ले रहा है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर दूंगा इस सेल को। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्त, सिर्फ सेल करोगे आपको ध्यान रखना होता है। इस बॉडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया 1.2, और ये जो फेस है यहाँ पे मेरा टेंजेंट सिलेक्ट करके रखा हो, तो मुझे टेंजेंट सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे मुझे सिंगल फेस लेना है। ठीक है, इसको मैं 2 mm का रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ कुछ चीज़ें जो है कैनट सेल अप्लाई, यहाँ पे थोड़ा आपको कम कर देता हूँ मैं 1.2, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी 1.5 की जो है सेल नहीं ले पा रहा है, तो फ़िलहाल के लिए मैं 1 ही रहने दे रहा हूँ। 1 से ज़्यादा होंगे यहाँ पे, तो मैं 1.3 भी काउंट नहीं हो रहा, 1.2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये सेल जो है बन चुका है। अब दोस्तों इसमें दिखना ये है, जो मेरा ग्लास है तो इसमें मुझे एक सिंपली जाना है, मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सब्सट्रेट की जगह में लगाऊँगा यूनियन, और यहाँ मैं लगाऊंगा 2-sided सरफेस, ऑफसेट में जगह में लगाऊंगा 2+ में। ठीक है, और ये वैल्यू है मैं इसको कर दे 0, और इसको कर दूंगा मैं 2। ठीक है, कर दूंगा रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरा जो ऊपर की जो मेरा जो चीज़ बाहर निकल के आता है ना, मैं अभी वे बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको शेप में दे दिया हूँ। अब मेरा यूनिट हो गया है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी ब्लेंड लगती है, तो यहाँ पे ब्लेंड जो है 0.5 का आप लगा सकते हो, राउंड शेप में होता है ये। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखना ये है, इसके ऊपर जो है एक आपकी जो कैप की ऊपर नीचे जो लॉक करने के सिस्टम आता है आपकी, वो आता है। अब उसको भी आप बना सकते हो सिमिलर ऐसे ही। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, ये भी आप 2 mm के बना सकते हो। डिस्टेंस आप मैंने 5 mm के डिस्टेंस दे दिया,
ये मैं इसको कर देता हूँ रिवर्स डायरेक्शन में, 2 mm की गैप दे दिया, मैं इसको कर देता हूँ 2 mm, 3 mm का मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो इसको भी मैं करना है मुझे यूनिट, बस ये थोड़ा सा आपको छोटा रहेगा जो आपकी ऑफसेट डिस्टेंस है, जो आप यहाँ पे ऑफसेट लोगे टू साइडेड ऑफसेट, इसको आप ज़ीरो कर दो, -2 mm कर दो, सॉरी -3 करना होगा, ठीक है। और जो आपकी यहाँ से जो ऑफसेट रहोगे, यहाँ पे मैंने इसको 1 mm का -1 mm का ऑफसेट दे दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा ये ऊपर में इसकी रिब के साथ ये बन गया है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा टेपर सा शेप में रहता है, तो यहाँ पे मैं टेपर लगाऊंगा, ड्राफ्ट लगाऊंगा। तो ड्राफ्ट जो मेरा है लाइक इस तरीके से लगाऊंगा मैं, इसको 2 कर दूंगा, ठीक है, 2 भी ज़्यादा है, 1 ही कर दूंगा मैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेपर शेप में रहता है, ठीक है, आप ध्यान से देखना इसमें आपको। और जो ये मेरा लेंथ है, ये मेरा 2 का बनेगा, ठीक है, 20 डिग्री रेपर में ये मेरा ऐसे शेप में आता है, ठीक है। और अगर इसके मैं एक्सट्रूड की बात करूँ तो ये 1 mm आप ऊपर ले सकते हो, मैं इसको 4 mm भी कर सकता हूँ, 4 mm भी कर सकता हूँ, और इसको मैं 3 mm कर सकता हूँ, ये आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये आप ऐसे बना सकते हो, और इसमें जो आपने ये एक्सट्रूड किया है ये इसको 5 mm कर दो, ठीक है दोस्तों। ये आपकी ऊपर की सेस जो है बन गई है। अब दोस्तों इसमें आपको देखना ये है, अब इसको सेल करने से पहले जो है मैं सेल को फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। अब सेल करने से पहले मुझे इसकी नीचे की पोर्शन बनाना है, अभी मैं इसकी थ्रेड वगैरह बनाना सिखाऊंगा आपको, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बस आप जुड़े रहना। तो मैं यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए मैं ये बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दोस्त एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन जो है सेंटर से नहीं बनाना है, सेंटर से बना दोगे फिर आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं एक एंगुलर डायमेंशन कर रहा हूँ, जिसके बीच में मैं 50 डिग्री देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये 50 डिग्री में दे चुका हूँ, और इसको जो थोड़ा मुझे बाहर अंदर करना होगा, ये आपकी है हेडेक है। तो ये मुझे प्लान लेना है, यहाँ पे प्लान में यहाँ पे पॉइंट एंड डायरेक्शन लूँगा, पॉइंट ये डायरेक्शन मेरा, यहाँ पे जाके आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपको यहाँ पे स्केच तो लेना ही है, ठीक है दोस्तों। अब मैं स्केच जो है मैं इसको ऐसे लूँगा, सॉरी सेलेक्ट में आ गई मेरा, ठीक है। मुझे बनाना ये है, जो मेरा स्केच है मुझे बनाना ये है, मुझे लेना है स्केच, ठीक है। अब आपकी जो स्केच है यहाँ पे, इसको आपको इस रकम इस तरीके से बना रहा है, यहाँ पे कर्व ले लो आप, अब इसको सेंटर लाइन बना दो, और यहाँ पे आप लाइक कुछ इसी तरीके से, सॉरी इसको आपको स्ट्रेट बनाना है दोस्तों, तो यहाँ से आप कर्व लेके उसको लाइक इस तरीके से आप इसको मिरर कर सकते हो, ठीक है। सेंटर लाइन लो, अब इसको कर दो मिरर, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से आपका ये बन चुका है, अब इसको यहाँ पे थोड़ा फिलेट लगाना है, ठीक है, फिलेट कंपलसरी है, फिलेट तो लगाना ही आपको, 5 mm का फिलेट लगा दिया मैंने दोस्त से ही। अब मैंने इसको एग्जिट कर दिया, अब इसको मैंने करना है एक्सट्रूड कट, ठीक है दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे एक्सट्रूड कट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है थोड़ा ऊपर से काट गया है, तो इसको हमको थोड़ा चेंज करना होगा, तो इसके लिए हम जो है इसकी एंगल चेंज करेंगे। तो इसकी एंगल जो है मैं 55 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको आर पार करना है, बट दोस्त अब अगर आप इसकी एंगल चेंज कर रहे हो, जो अपने इसकी एंगल चेंज करोगे जो ये स्केच है, ठीक है, तो इसकी जगह आप एंगल स्केच भी करो चेंज करोगे तो ये आपकी थोड़ा सा बाहर ले आएगा, या इसको आप ऐसे करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इतना तक आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जो आपकी स्केच है इसको आप एंगल चेंज कर दो,
ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा एंगल चेंज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं 40 डिग्री का, और इसको मैं करूँगा लेग से 50 डिग्री, और इसको मैं देखता हूँ मेरा कितना क्या हो रहा है। ये ठीक लग रहा है मुझे दोस्तों, ठीक है। अब इसको आपको लगाना ये है, इसमें आपको एरे लगाना है, ठीक है। इसमें आपको एरे लगाना है, पैटर्न लगाना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, फैक्टर लेना है आपकी, और इसकी सेंटर जो है आपको सिलेक्ट करना है। मुझे चार लगाना होता है ना, तो चार ही चलता है। अब देख लेना एक बार, चार ही लगता है। अब इसमें दोस्तों आपको करना ये है, इसको मैं एक तरीके से यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसको ऑफसेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 mm का अगर ऑफसेट भी करोगे आप यहाँ पे ऑफसेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, ऑलरेडी मैंने एरे लगा दिया है यहाँ पे, तो मैं इसको फिलेट लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे एज ब्लेंड लगाना है आपको, ठीक है। टेंजेंट है, टेंजेंट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे डबल एंड स्ट्रीम, ओके, ठीक है। यहाँ पे बहुत मैन्युअली मुझे सिलेक्ट करने में दिक्कत आता है दोस्त, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा सारा तरफ से मैंने लगा दिया है। इसको मैं 5 mm कर दे रहा हूँ, 5 के जगह आप 8 भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। 5 mm काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा जो है बोतल की शेप जो है आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना ये है, ठीक है, मेरा बोतल की शेप में जो है ये आ चुका है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है इसमें, ये जो है अब देखो आप किसके शेप देख पा रहे हो। अब मैं इसको अगर कलर में डालना चाहता हूँ तो मैं इसको इसको कलर में भी डाल सकते हो। यहाँ पे कलर में जाकर इसको आप डाल दो, कोकोकोला आपके जो माउंटेन ड्यू शेप में आते हैं, माउंटेन ड्यू में मैं ले रहा हूँ, और इसको थोड़ा आप शेडेड को हटा सकते हो, ठीक है। ये आप ट्रांसपेरेंट देख पाओगे। अभी हमको सिंपली करना है सेल, ठीक है। तो मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है। सेल करने के लिए आपको 1.2 मैंने थिकनेस कर लिया हूँ। अगर इसको 2 mm करना है आप 2 mm करके देख सकते हो। इस फेस को जो है आपको सभी फेस सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो व्यू में, इसको जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है मेरा 2 mm की मेरा हो गया है, बाकी 1.2 का है, ठीक है। ऐसे आप इसमें देख सकते हो 1.2 के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी जो है मेरा ये बन गया है, अब मुझे इसमें थ्रेड लगाना है। अब फिलहाल के लिए मुझे देखने में दिक्कत होता है तो इसको मैं कलर जो है मैं ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको डालूँगा ट्रांसपेरेंसी में। अब मेरा ये जो है फंटा की नीचे से बन गया है। अब दोस्तों आपको देखना ये है इस चीज़ में, यहाँ पे आपको लगाना है थ्रेड। थ्रेड लगाने के लिए इसमें हम एक नया तरकीब यूज़ करेंगे। तरकीब ये है, सबसे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है आपको। इसको मैं थोड़ा ऑफसेट रीजन कर रहा हूँ 2 mm की, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको 2 mm का ऑफसेट रीजन किया हो, यहाँ तक ओके आप लोग का। अब दोस्तों इसमें ये करना है, इसमें मुझे लगाना है थ्रेड, ठीक है। थ्रेड कहाँ मिलेंगे मुझे, इंसर्ट में जाना है आपको, ठीक है। आपको इंसर्ट में जाके आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको थ्रेड, ठीक है। तो मैं डिटेलिंग थ्रेड ले रहा हूँ, फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनर है मैं 30 का मेरा डायमीटर लिया था, मुझे 30 पता है। अब यहाँ पे जो मेरा लेंथ है मैं इसको कर रहा हूँ 12 mm तक, और इसका जो पीस रहेगा मेरा 5 का रहेगा, एंगल 60 डिग्री का रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैं अभी यहाँ पे और थोड़ा लंबा कर सकता हूँ, मुझे लंबा सही है, एक्चुअली मुझे सही है लंबा, थोड़ा लंबा करना है मुझे। डायलॉग आपको जाना है यहाँ पे 12 का जगह इसको 15 कर दो, ठीक है, ओके कर दो। तो मेरा ये नीचे से ये थ्रेड मेरा बन के आया, ठीक है। अब दोस्तों इसको तो आपको काटना है अभी फ़िलहाल उस शेप में, तो काटने के लिए क्या करेंगे हम, इस पर देखो थोड़ा ध्यान से। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है मुझे, और इसमें मुझे करना है ऑफसेट 2A, ठीक है। करना है मुझे रिवर्स डायरेक्शन,
और यहाँ से मुझे 3 mm की जगह में इसने सो रहा है जैसे, तो यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा 0, ठीक है। और इसको मुझे करना है 2 mm की जगह रखना है -2, ठीक है। तो अब मुझे जाना है यहाँ पे -10 mm, 10 नहीं करना है मुझे, -5 mm जाना है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट डन कर दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप एक सेकंड, यहाँ पे पार्ट हुआ नहीं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है बॉडी को, बट बॉडी जो है आपकी जो बाहर रहेंगे ये, तो ये जो माइनस ये ऑफसेट है इसको आप 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओ, अब अभी इसकी पार्ट हो रहा है आपके, है ना। तो इसको आपको ले जाना है थोड़ा ऊपर, इस आपको इस पर्सन तक ले जाना है कि आप सही से काट कर पाओ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली ये जो चीज़ है यहाँ पे आपके चैम्फर था, आप उसको चैम्फर को रिटेन कर दो, ठीक है। ये आपकी 2 mm की नहीं 3 mm की थी, 3 mm की मैंने चैम्फर लगा रहा, मुझे चैम्फर जो है मुझे रिटेन हो गई है। अब सिमिलरली इसको करना क्या है आपको, यहाँ से ऊपर से भी आपको लेना है, ठीक है दोस्तों। ऊपर से मैंने ले लिया इसकी -12, ठीक है। और यहाँ पे मुझे गैप सुनना है -12 की, और ये मुझे करना है -18, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी ऑफसेट लेना है 2-sided, है ना दोस्तों। तो मैंने ले लिया ये और कर दिया डन मेरा। अब इसमें दिक्कत ये आता है, जो आप इसको एक्सट्रूड करते हो ना, ये वाली आपने 0 नहीं किया थी, आपने 0 नहीं किया थी, आपको 0 करना है। एक सेकंड, मैंने इसको -3 ही करना था, नहीं तो एक सरफेस बन जाएगा ये, ठीक है। आपकी ये ऊपर से जो है कट हो गया है। अब दोस्तों देखो, इसमें ध्यान से देखने की चीज़ क्या है, ठीक है। अब मुझे इसकी अब जो इसको मैं स्प्लिट बॉडी करूँगा, सरफेस में जाना है, यहाँ पे जाना है आपको मिल जाए, सॉरी यहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे स्प्लिट बॉडी। सबसे पहले बॉडी को सिलेक्ट करना है, न्यू फेस सिलेक्ट करना है, तो मैं सबसे पहले इसको न्यू फेस सिलेक्ट करके इसको मैंने ट्रिम कर दिया, स्प्लिट कर दिया सॉरी। उसके बाद मुझे सिमिलरली स्प्लिट में जाना है, इस बॉडी को सिलेक्ट करना है और उसमें इसको काटना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मुझे ये काम करना है, अब मेरा जो ये जो बॉडी है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको भी मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसे किसी काम का नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको करूँगा रिप्लेस सरफेस। इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसके साथ करना है रिप्लेस, बस ये मेरा हो गया रिप्लेस का, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये भी मेरा किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं कर दूँगा इसके लायक रिप्लेस, ठीक है। अब दोस्तों ये देखना आपको, ये है ये जो मेरा बॉटल है, ये तो ऑब्जेक्ट मेरा को रिप्लेस करना है, इसके अकॉर्डिंग में, इसकी अकॉर्डिंग में मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। देखो दोस्तों मज़ा आने वाला है, आप देखते रहना लास्ट तक, ठीक है। और सिमिलरली अब मेरा ये जो काम है अभी मुझे इसको भी करना है, ठीक है। अब मुझे इसको इसकी हाल में रिप्लेस करना है, बस हो गई, इतना रह गई आपकी, इसको भी आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब दोस्तों देखो इसको फिर क्या करना है, यूनिट कर देना है आपको, ठीक है, बस यूनिट कर दो। अब ये देखो आप, यहाँ पे कोई लाइन सी आ रही है, ये लाइन देखना है आपको, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। लाइन गायब हो गई आपकी, यहाँ पे कोई सरफेस था वो जो लाइन करके आ रही थी, अब यहाँ पे आप जो है कैप की वो आप देख पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें करना ये है, अभी ऊपर की ये बन गया है, अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ जो है काटना है, ठीक है। मुझे जो कुछ चीज़ जो है इसमें मुझे काटना है, और ये सरफेस जो है मुझे इसकी अकॉर्डिंग लाना है, मुझे ये सरफेस भी, ठीक है। अब मेरा ये अकॉर्डिंग आ गया है, यहाँ पे आप इसको जो सरफेस है आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, इसको भी आप देख सकते हो, डिलीट करना है इस सरफेस को, आप इसे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं ये आपको यूनिट करना होगा, ठीक है। ये आप यूनिट कर दो, यहाँ पे जो लाइन थे वो चला गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर से आपको एक कट करना है, यहाँ पे एक कट लगाना है, तो मैं इसके ऊपर जो है एक प्लेन ले रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बस जुड़ना है आपको, ठीक है, जाना नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले जो है एक प्रोजेक्ट करूँगा, मेरा प्रोजेक्ट कर्व, मेरा ये जो आउटर बाउंड्री है मैंने इसको प्रोजेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसकी एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है,
अब इसको भी मुझे ऑफसेट करना है 3 mm का, 3 ज़्यादा हो जाएगी, 2 mm, चलो 3 कर दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कर दिया। अब इसको भी मुझे ऑफसेट मारना है इस लाइन को, ये आपकी 1 mm की सिमेट्री कर दो, डन। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है ट्रिम, ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया ट्रिम, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है ट्रिम कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरा लाइन जॉइन है ऑलरेडी, नहीं जॉइन नहीं है, इसको मैं ट्रिम करना है, ठीक है। ये जो है आपने डिस्प्ले करोगे तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइन ऑलरेडी जिम जॉइन है, और इसको आप सेंटर लाइन बना दो, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से आप एग्जिट मार दो, आपको करना ये है, अब इसको ना आपको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि देखना आप अगर बोतल अच्छे से देखोगे उसमें आपकी ये 20-20 में जो है सेक्शन काट के रखा है, ठीक है, वो आपको काटना होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को जो है हम लोग लगा देंगे पैटर्न, ठीक है, इस चीज़ को आपको लगाना है पैटर्न, कितना लगाना है दोस्तों, 5 लगा दे, चलिए 5 ही लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने चीज़ छोटी छोटी चीज़ में हमने पैटर्न लगा दिया है। अगर इसको हमको नहीं चाहिए तो इसको आप ठीक है इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो अगर चाहो तो आप, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस आ रहा है इसको सरफेस को आपको हटाना होगा, ठीक है, और जो ऊपर में आपकी जो आती थोड़ी सी यहाँ पे ये ब्लेंड लग के आती है, ठीक है दोस्तों, ये ब्लेंड 1 या 2 mm की रहती है, ज़्यादातर तो 2 mm ज़्यादा हो जाएंगे, आप 1.5 कर सकते हो, ये जो है थोड़ा ब्लेंड करके आती है। अब अभी दोस्तों इसको ट्रांसपेरेंट करना है हमको, माउंटेन ड्यू में जो शेप में रहता है इसको आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, मैं इतना काफ़ी है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये पूरा बोतल डिज़ाइन करना है, मैंने आपको पूरा वीडियो जो है बना चुका हूँ बोतल डिज़ाइन के ऊपर, तो आप मुझे लाइक कमेंट करके बोलिए। इसमें अगर आपको मेटल वगैरह डालना है, इसके वेट मेजर करना है, तो आप यहाँ से वेट भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो वेट मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपको जाना है एनालिसिस में, ठीक है, आपकी इसमें जाके जाना है मेजर बॉडी, ठीक है, बॉडी को सिलेक्ट करो। अब इसमें आप देख पा रहे हो वॉल्यूम कितना आ रहा है, मास कितना आ रहा है, 0.7 आपके किलो का आ रहा है, ठीक है, केजी में आ रहा है, और उसमें आप देखो यहाँ पे आप इसको मेजर वगैरह कर सकते हो। इसको अगर एसएन मेटल करना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एसएन मेटल का सप्रेस, ठीक है, या हाइट, तो यहाँ पे शॉर्टकट जो है आप यूज़ कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब इसको मुझे मेटल डालना है तो आप यहाँ पे, ठीक है, मेजर करने के लिए आप यहाँ मिल जाएंगे, मेटल वगैरह डाल सकते हो आप, ठीक है। पैड का डालना है यहाँ पे, अगर नाम टेक्सिंग वगैरह लगता है, अगर पेंटागन से आप डाइव जो पेंटागन है उससे आप नामिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना है आपको, ठीक है। और इसमें क्या अगर आपको स्टिकर वगैरह डालना है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे स्टिकर डालते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा बन चुका है। अभी दोस्तों इसके ऊपर हम स्टिकर कैसे लगाते हैं वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत काम का है, बहुत काम आएंगे आपके। तो इसके लिए आपको जाना है रेंडरिंग में। देखो दोस्तों रेंडरिंग से जाने से पहले सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इसमें आपको मेटल डाल दे, एसएन मेटल कर दे, ठीक है। मेटल डालने के लिए आपको जाना है इंसर्ट में, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जाके आपको करना क्या होगा, ठीक है। मैं एक सेकेंड के लिए आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा टूल पर, टूल पर जाके मेटल में जाऊँगा, फिर जाकर मैं आपको जो लाइब्रेरी मेटल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको मेटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक में दिखूँगा मैं जो है पोल्यूटेशन देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेड़ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे ही दिख रहा हूँ, टूल में जाना है, एसएन मेटल में जाना है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने लाइब्रेरी ऑन कर दिया है, मेरा जो है बॉडी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मेरा लाइब्रेरी से इसको मैंने यहाँ पे जो है पेड़ आपको मिल नहीं रहा है, तो मैं जो पैट है पॉलीरेथिन जो मैं लूँगा, तो मैं पॉलीरेथिन में यहाँ पे जो है आप ले सकते हो, ठीक है। मैं ये फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई दूसरी ले रहा हूँ, प्लास्टिक ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मेटल ले लिया है, उसके बाद आपको जाना है, सबसे पहले जाना है रेंडर में, जाके आपको ये एडवांस स्टूडियो ऑन करना है, ठीक है। देखो ऑलरेडी मैंने ये बना रखा था, तो मैंने यहाँ पर आपको दिख के आ रहा है, तो मैं इसको नया से करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है आपको, ठीक है।
तो रेंडर पे जाना है आपको, सबसे पहले जाना है फिर डेकल स्टिकर, स्टिकर में जाना है आपको। स्टिकर में जाके आपकी जो आप स्टिकर है, मैंने ऑलरेडी एक मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया हो, जैसे मैंने ये दिखा पाऊँ आपको, या गूगल से मैंने एक डाउनलोड कर लिया हो, आप डाउनलोड कर लीजिए। या आप अगर आपको फोटोशॉप बनाना आता है या कोरल ड्रॉ में आपको काम करना आता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके आपकी फोटो को एडिट कर सकते हो, आप जैसे चाहते हो आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाके इसको मैंने जेपीजी में सेव किया था, मैं जेपीजी ऑन कर रहा हूँ, कवर फोटो ऑन किया है। तो अभी मेरे को कोई फ़ोटो नहीं मिला था, तो मैंने ये से फ़ोटो ले लिया हूँ। अब इसमें मैं टॉप लेफ्ट से लूँगा, मैं यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट लूँगा, ऊपर से मुझे लगाना है जो मेरा ऊपर है, सेंटर से लेना, सेंटर लगा सकते हो, मैं टॉप लेफ्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे जो है ये मेरा कवर हो गया है, तो मुझे इसको अभी अप्लाई कर दूँगा। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप मेरा ऑब्जेक्ट जो है देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी फेस एजेस को ख़त्म करना है तो आपको एजेस को ख़त्म करके आप इसको पूरा जो है आप देख पाओगे, लाइक इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई अच्छा वाला स्टिकर मिला नहीं था, मैंने इसको ही डाउनलोड कर लिया है, तो डाउनलोड करके मैंने इसको आपको डाल दिया हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप बॉटल वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके पूछना है। इसमें मटेरियल अगर अलग से मटेरियल डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। स्टूडियो इमेज बनाना है तो यहाँ पे आप स्टूडियो इमेज पिक्सल में वगैरह बना सकते हो। अगर दोस्तों जैसे आप देखे हो कोकोकोला वगैरह में, इसमें बहुत कुछ चीज़ें जैसे डिज़ाइन बनाते हैं, कोकोकोला लिखते हैं ऊपर में, वो टेक्सचर कैसे डालते हैं, टेक्सचर के लिए आप टेक्सचर भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको टेक्सचर पॉलीगन मॉडलिंग में जाना होता है, जैसे यहाँ पे भी होता है पॉलीगन मॉडलिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको एक पॉलीगन मॉडलिंग होता है R&D में, उसमें आपको यहाँ पे टेक्सचर मिल जाता है, ठीक है, इसमें मिलेंगे नहीं, तो आपको इसमें टेक्सचर मिल जाएंगे। वो टेक्सचर जाके इस पेज पर लगाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर टेक्सचर लगाने वाला वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करना है, और जितना ज़्यादा कमेंट होगा मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें मैं पूरा दिखाऊंगा कि टेक्सचर कैसे लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो टेक्सचर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल देखो जो भी डिज़ाइन आता है उसके ऊपर नया नया टेक्सचर आ रहा है, बना के आता है। जैसे कोकोकोला होता है, कोकोकोला का देखना आप, जो नया बोतल बन के आ रहे उसके ऊपर लिखा होता है कोकोकोला लिखा होता है, ठीक है, वो सब टेक्सचर डालते हैं इसमें, देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम काम NX में ही होता है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा वो रहा, अब बताइए आप कैसा लगा। इसको टू शेडिंग में करना है तो टू शेडिंग में आप करके देख सकते हो। टू शेडिंग से अच्छा आप इसको आप ऑन कर लो, यहाँ पे आप सब देख पाओगे ये वाला चीज़ जो है, ठीक है। तो मेटल जो है, मैंने मेटल की वजह से थोड़ा ये डार्कनेस आ रहा है, ये जो आपको शेडो आ रहा है, ठीक है, प्लास्टिक में जो ये शेडो आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे आप इसको वीडियो को दोस्तों देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना है, ठीक है। और अब मुझे बोलिए आपको कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बोलना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।